ओम शांति। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। कई बार हम पुरुषार्थ करने ही लगते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और फिर वहीं ठप हो जाता, आधे दिन में खत्म। पहले गुप्त पुरुषार्थ करो, ऑटोमेटिकली आप प्रत्यक्ष हो जाओगे। और अगर आपको ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचना है, माना ज्ञान को और गुहे तरीके से समझना है, तो गुप्त रीति करो, पुरुषार्थ स्टडी करो। अव्यक्त मुरलियां जब स्टडी करते हो तो सिर्फ स्टडी नहीं करो, धारण करके उसका अनुभव करो। उसका अनुभव आपके प्रैक्टिकल जीवन में जरूर होना चाहिए, तब उसे धारण करना कहा जाता है। ये नहीं कि आपने पढ़ ली, आप फिर कथावाचक थोड़ा बनना है, ना कथा पढ़ के सुनाना है, ना कथा पढ़ते जाना है, ऐसा थोड़ा बनना है। हमने जो पढ़ना है उसका जीवन में अनुभव जरूर होना चाहिए। अनुभवी मूर्त किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, जो उसने सुना उसका अनुभव किया, और जब अनुभव किया तो उसे कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो ज्ञान की पराकाष्ठा लाने के लिए भी गुप्त रीति से पुरुषार्थ करना होगा। अब अगर गुप्त रीति पुरुषार्थ करना क्या कहते हैं, कई कहते हैं उसे कैसे कहते हैं, तो वो अपना ज्ञान योग बढ़ाओ, योग करो, योग के भिन्न भिन्न तरीके अपनाओ। खुद के पास हैं, अव्यक्त मुरलियों में भी हैं, साकार मुरली में भी हैं, तरीके बताए हुए हैं, उन तरीकों को खोजो। कहाँ हैं तरीके? क्योंकि पूरी मुरली के अंदर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट होते हैं, तो आप निकालो, यही आपकी स्टडी है। आप निकालो आज का योग का क्या बाबा ने क्या कहा है, आज योग की कौन सी विधि कही है बाबा ने, उसको यूज करो साकार मुरली। फिर आप अव्यक्त मुरली जब आए तो उसमें से भी कुछ निकालो, उसमें और निकल आएंगे, क्योंकि वो अव्यक्त महावाक्य हैं, अव्यक्त अवस्था बनाने वाले हैं। क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त जब बाबा हुए तो अव्यक्त महावाक्यों से ज्यादा मना हम अव्यक्त वतन के नजारे देख पाए, तो इसीलिए। बाकी साकार में तो हैं ही विधियां, तो ज्ञान की भी हैं, योग की भी हैं, धारणा की भी हैं, सेवा की भी हैं, तो वो सारे निकालो, फिर देखो कमाल, फिर जो होती है ज्ञान की पराकाष्ठा। अब ये जो होगा वो गुप्त रूप का आपका पुरुषार्थ होगा और आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। अब ज्ञान बढ़ेगा सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, आपका अपना जीवन दिखाने के लिए। जो भी पॉइंट आते हैं, कई बार बाबा कहते हैं कि आप देहधारियों को भूल जाओ, अब कहीं कहते कहाँ भूला जाता है, जो पहले ही स्टेप पे ऐसे बोल देते हैं, तो परमात्मा महावाक्यों पे निश्चय क्या है? भगवान ने कहा, माना ऐसा होता है, ये नहीं आप मान रहे हो सिर्फ, हाँ हाँ होता होगा करके देखेंगे, अरे ऐसा ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है महात्माओं के लिए, इतना निश्चय। किसी को कहा जाता है कि आप चिंता छोड़ दो, बाबा बैठा है, अब चिंता छोड़े नहीं, बाबा तो बैठा ही है। फिर वो बाबा को ही सुनाते, बाबा आप बैठे हो ना, फिर भी चिंता क्यों है? क्योंकि चिंता छोड़ो तो चिंतन में आए ना कि बाबा बैठा है, और फिर उसके बाबा के साथ ड्रामा भी है, तो ड्रामा तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आप बाप की श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारे लिए ड्रामा कल्याणकारी है, तो ऑटोमेटिकली सब तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा ना। अगर आज उसका रूप तुम्हें बड़ा विचित्र सा नजर आ रहा है कि तुम्हें ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन तुम श्रीमत पर चलते वाली आत्मा हो, तो तुम्हारे लिए ड्रामा सदैव कल्याणकारी ही समझ के चलो, तभी तो कमाल होगा। ओके, ओम शांति, ओम शांति।